हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एस ऑटो कार। ये देख लीजिए, हमारे पास आई है मारुति सुजुकी ब्रेजा विटारा। और इसके अंदर जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये है, अब तो मैंने खोल लिया है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो दिक्कत है इसके अंदर, स्टेयरिंग चिपक चिपक के चलता है। और जो अपना स्टेयरिंग, जैसे हम काटते हैं कट कट वगैरह पे, पूरा स्टेयरिंग काट देते हैं और फिर सीधा स्टेयरिंग करने की सोचते हैं, तो हमें हाथ से ही करना पड़ता है। तो उसमें जो दिक्कत आ रही थी, वो जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग जो है इसका जो ख़राब हो गया है, स्टेयरिंग असम्बली जो रहती है, स्टेयरिंग असम्बली ये ख़राब हो गई है। और इसके अंदर जो है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए रिपेयर कितनी इसके अंदर प्ले हो चुकी है। और इधर से जो है वो बुश कट चुका है और मिट्टी भर चुकी है, ये देख लीजिए। तो ये क्या, स्टेयरिंग टर्न बैक नहीं आता है, जो बोलते हैं ना टर्न बैक आना चाहिए स्टेयरिंग स्पीड में, अगर हम काटते तो गाड़ी सीधी हो जाती है। तो सीधा जो होती है वो इसकी स्टेयरिंग असेंबली की वजह से वो सीधी होती है। थोड़ा बहुत जोर जो स्टेयरिंग कॉलम और मोटर लगाती है, तो ये बिल्कुल जहाँ स्टेयरिंग काट रहे थे हम वहीं पर रुक रहा था, और स्पीड में चल रहा था तो चिपक चिपक के भी चल रहा था। तो ये मैंने स्टेयरिंग कॉलम जो है इसका खोल लिया, इसको रिपेयरिंग करता हूँ। मैंने पहले भी स्टेयरिंग कॉलम रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है। तो मेरा जो बताने का जो पर्पस है वो ये है कि जो चिपक चिपक के चलता है, वो जो दिक्कत होती है वो स्टेयरिंग कॉलम की होती है। इसको तो मैंने वीडियो ही बना रखी है, आप वीडियो में जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जो टर्न बैक आता है, टर्न बैक आने का जो सिस्टम है वो स्टेयरिंग असेंबली है, वो ये स्टेयरिंग असेंबली होती है। इसको हम चेंज करेंगे, आपको दिखाएंगे बिल्कुल बढ़िया गाड़ी करके। वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली जो है हमने स्टेयरिंग असेंबली जो है वो कंप्लीट ही डाल दी थी, ये देख लीजिए स्टेयरिंग असेंबली जो है न्यू असेंबल ऐड कर दी थी इसके अंदर। स्टेयरिंग असेंबली पूरी नई डाल दी थी और सोकर डाल दिए थे, सोकर माउंटिंग डाल दी है, ये देख लीजिए ये सोकर है। और ये स्टेयरिंग असेंबली है जो कि नई डाली है हमने। और ये स्टेयरिंग कॉलम जो है वो रिपेयरिंग करके लगा दिया, चिपकना भी बंद हो गया है स्टेयरिंग कॉलम, ये देख लीजिए बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। एक उंगली से आप इसका स्टेयरिंग काट सकते हैं, इतना बढ़िया काम हो गया है। सबसे जो दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत आती है वो स्टेयरिंग असेंबली जो होती है वो ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से फिर ये भी इस पर झटका लगता है तो ये भी ख़राब हो जाता है, स्टेयरिंग कॉलम में जो है ना दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैंने दोनों का ही काम कर दिया और बिल्कुल भी अब चिपक चिपक के नहीं चल रहा था, वरना हम ऐसे कर रहे थे ना इसको हल्का सा कच कच इस टाइप से चिपक चिपक के कच 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 इस टाइप से बोलता था। एक साथ घुमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर जैसे हम रोक के घुमाते हैं ना ऐसे करके, तो हल्का झटका मारता कच कच इस टाइप से अटकता है। तो फाइनली जो है ये कंप्लीट हो चुका है और गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है, एकदम बढ़िया हो चुकी है। और टर्न बैक वगैरह भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ये देख लीजिए स्टेयरिंग जो है एक उंगली से घूम रहा है, ये देख लीजिए ये एक उंगली है, ये देख लीजिए ये देख लीजिए एक उंगली से स्टेयरिंग घूम रहा है। गाड़ी जो है वो स्टार्ट है, ये देख लीजिए 1000 RPM में, और मैं देख लीजिए एक उंगली से गाड़ी घूम रही है, ये देख लीजिए बिल्कुल बढ़िया हो गया। हॉर्न वगैरह भी सब कोई सिंबल नहीं है, एयरबैग वगैरह का कोई भी सिंबल नहीं है। ऐसा होता है कि इसको खोलते हैं तो एयरबैग की जो लाइट है वो आ जाती है, या फिर रिबन चक्री टूट जाती है, उल्टा सीधा फिटिंग हो जाता है। तो इसको लॉक करके ही खोलें, पहले सब चीज़ चेक कर ले, पूरी फिटिंग करने के बाद एयरबैग और रिबन चक्री तब बिठानी है, तब के अपना सस्पेंशन का या फिर स्टेयरिंग सीधा करके तभी बिठानी है। ये देख लीजिए यहाँ पे स्टेयरिंग सीधा है और ये यहाँ पर भी सीधा है, स्टेयरिंग भी सीधा और टायर भी सीधे हैं, एक साइड का टायर सीधा और यहाँ से लेके धागे से यहाँ तक नापना है, यहाँ से सीधा करके और फिर स्टेयरिंग सीधे पे बिठा देना है, जहाँ पे उसका लॉक का चिन्ह होता है वहाँ पे बिठा देना है और स्टेयरिंग बिल्कुल सेट रहेगा एकदम बढ़िया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।